संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे समुद्र की चार विशेषताएं जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य के अंदर देखने को मिलती है, जो समुद्र के अंदर है, वही चार। पहला, समुद्र गंभीर होता है, सभी नदी नालों तालाब सरोवर से जहाँ से भी पानी आए उसको अपने में समा लेता है कि नहीं, कि वो पानी आ जाए तो उसको मना करता है कि नहीं नहीं, वो जैसा पहले था, नदी नालों से हजारों गैलन पानी आ जाए फिर भी वो वैसा का वैसा रहता है। स्थित प्रज्ञ भी ऐसा होता है, जैसा वो अपने स्वरूप के अंदर स्थिर है, अपनी उसकी प्रज्ञा ईश्वर में स्थिर है, वैसा ही कैसे भी नदी नालों कैसे भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं उसके जीवन में आ जाती है, शुभ अशुभ उदय आ जाते हैं, लेकिन उनके आने के बाद भी वो जितना गंभीर पहले था उतना ही गंभीर उसके बाद में होता है। स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण समुद्र जैसा। दूसरा, अनंत गहराई होती है कि नहीं, सागर के अंदर इतनी नदी नालों के पानी आते हैं तो क्या सी लेवल ऊपर आ जाता है? सी गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ वाटर कितने जाते होंगे, रोज की रोज नदियों में से कितना पानी समुद्र में जाकर इकट्ठा हो जाता है, मिल जाता है, लेकिन सी का लेवल समुद्र की सपाटी कभी भी ऊपर नहीं आती। या ऐसा कहो, हजारों गैलन पानी उसमें से धुआं बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है तो भी उसकी सपाटी नीचे नहीं जाती। कैसा गंभीर है, कैसे भी जीवन में उदय आए, कैसे भी उदय आए ना उसके अंदर से कुछ हिलता है, कैसे भी उदय आए ना उसमें से अपनी आत्म प्रसन्नता चित्त प्रसन्नता कभी भी कम होती है। तीसरी बात, समुद्र शांत होता है। तुम कहोगे हमने तो उछलता हुआ भी देखा है, और मैं भी जाती हूँ जब भी बम्बई तो मैं जानबूझ के रहती हूँ समुद्र के किनारे पर ही, क्योंकि वो दृश्य देखने में इतना सम्मोहक है और जीवन का एक बड़े से बड़ा अपने को बोध देके जाता है। मैं बैठी बैठी घंटों समुद्र देखती रहती हूँ, घंटों तक। कैसा होता है, दूर से देखो ना तो ऐसा उछल रहा होता है, देखा है तुमने कभी समुद्र? और उसमें फुल मून नो मून वाला जो दिन होता है उस दिन तो जबरदस्त उछलता है, हाई टाइड्स लो टाइड्स उसमें भी होती है, ऐसा उछल रहा होता है मुझे लगता है। और वहाँ पे जब मैं देखती हूँ तो तट के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं ना कि वो समुद्र की लहरें फील करने के लिए, मुझे लगता है ये तो इतनी ऊंची लहर आएगी ना इन लोगों को बिल्कुल अंदर डुबो देगी, लेकिन मैं देखती हूँ जैसे ही वह तट के पास आता है ना समुद्र शांत हो जाता है। ये अद्भुत घटना है स्थित प्रज्ञा के जीवन की। ऐसा परमात्मा का आनंद उछलता है उसके अंदर, ऐसा उछलता है कि संसार के तट पर वो आ भी जाए, यदि विषय भोगों के तट पर आ भी जाए कभी, तो अंदर इतना उछल रहा है लेकिन विषय भोग के पास आते ही एकदम शांत हो जाता है, वो विषय भोग उसको डुबो नहीं पाते। थोड़ा बहुत भिगो देंगे ठीक है, लेकिन वह विषय भोग उसको डुबा नहीं पाते। मैं घंटों ये दृश्य देखती हूँ और अपने जीवन को उसी धन्यता के अंदर अनुभव करती हूँ। भीतर बहुत उछल रहा है लेकिन जैसे ही कोई प्रसंग आ जाए एकदम शांत हो जाता है एकदम। और चौथा कहा, पूर्णता होती है। समुद्र में क्या होता है, पूर्णता, ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम हम लोग गाते हैं ना श्लोक, जो पूर्णता, जिसके पास पूर्णता होती है ना, जिसके पास सब कुछ है वही किसी को कुछ दे सकता है कि नहीं। समुद्र इतना पूर्ण होता है कि वो नदियों से पानी मांगता नहीं है। इनफैक्ट वास्तविकता में क्या होता है कि समुद्र अपने ही पानी को जब भाप बनाकर उड़ाता है, बादल बनाता है, वो बादल बरसते हैं और नदियों में जाते हैं। तुम्हें दिखता है नदियां समुद्र को पानी दे रही है पर वास्तव में समुद्र नदियों को पानी दे रहा होता है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है, स्थित प्रज्ञ का जीवन कैसा होता है, तुम्हें लगता है कि उदय वहां से आया है
स्थित प्रज्ञा के जीवन में, लेकिन वास्तव में उसके भीतर निद्रा का ऐसा तूफान चला है, ऐसा तूफान चला है कि उस तूफान के अंदर सारे कर्म भाप बनकर ऊपर उठते हैं और उदय के माध्यम से वापस आकर संपूर्ण निद्रा करके जाते हैं। संपूर्ण ऐसा सम्यक्त्व का उछाल है भीतर, ऐसी स्वरूप की खुमारी है, इतनी खुमारी है कि वही खुमारी उछल उछल कर बादल इस प्रकार के बनते हैं और वही बादल नदियों में यानी कर्मों के उदय में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, वही कर्म के उदय वापस समुद्र में आके मिक्स हो जाते हैं, एक मेक हो जाते हैं और कंप्लीट निर्जरा समुद्र शांत का शांत बना रहता है। ये है हमारे स्थित प्रज्ञा। अंतिम दो श्लोकों में इस पूरे विषय का उपसंहार किया है, कंक्लूड किया है, दो श्लोक इकट्ठे। विहाय कामान यह सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममः निरअहंकारः सह शांतिम् अधिगच्छति। ईशा ब्रह्मी स्थितिः पार्थ न एनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम् रुच्यति। स्थित प्रज्ञा यानी बीच का जंक्शन है, अभी साधक है, साधक में से अब तुम खुद ही चेक करना स्थित प्रज्ञा के कितने लक्षण तुम में है, मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं चल सकता। मैं तो केवल बाह्य तुम्हारे फेरफारों को देखूंगी, लेकिन आंतरिक फेरफार के प्रामाणिक दृष्टा तो तुम ही हो सकते हो। यदि ये सब लक्षण है तो तुम भी इस यात्रा में आगे बढ़ चुके हो और स्थित प्रज्ञा से आगे का पड़ाव स्थित प्रज्ञा की ही पूर्णता 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 बन जाती है, कृष्ण यानी परमात्मा यानी ईश्वर यानी द सोल। कंप्लीट द जर्नी इज ओवर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तीन शब्द बढ़िया दिए हैं, निस्पृह निर्मम और निरअहंकार। निस्पृह यानी अनुकूल प्रतिकूल के प्रति अब राग द्वेष नहीं, कोई नई इच्छा ही नहीं है। निर्मम यानी जो मिला है उसकी आसक्ति नहीं है और अहंकार उसमें मेरापना की का भाव नहीं है। परिणाम में क्या होता है, वह अंदर से प्राप्त होता है, जब वह शांति को प्राप्त हो जाता है। वास्तविक रूप से स्थित प्रज्ञा के लिए हमें करना क्या है, करना के तीन शब्दों को ही मैं समझा दूं। निर्मम होना है, निस्पृह होना है यानी निष्काम होना है और तीसरा निरअहंकार होना है। क्या क्या होना है, पहला निर्मम, निर्मम यानी निर्दय नहीं ममता रहित। दूसरा निस्पृह होना है, निस्पृह यानी कामना रहित निष्काम। और तीसरा निरअहंकार यानी अहंकार रहित होना है। कैसे होता है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है इस जीवन में, जो कुछ भी है देखो तुम कर्म योग से देखो या भक्ति योग से देखो या ज्ञान योग से देखो, मेरा कुछ है ही नहीं। मेरा अपना तो खाली आत्मा है, शरीर माँ बाप से मिला हुआ है, थोड़े समय के लिए रहेगा, अभी जो उसका पोषण है वो तुमसे नहीं हो रहा, वो खाने से हो रहा है। 8 दिन नहीं खाओगे तो पता चलेगा कि कैसे शरीर भीतर से रिजेक्ट करता है। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा क्या है, केवल आत्मा। ये जगत में जो कुछ भी दिख रहा है ना, ये कुछ भी मेरा नहीं है, केवल संयोग रूप से थोड़े समय के लिए आया है, भले मैं उपयोग करता हूँ उसका, भले मेरे साथ वो थोड़े समय तक रहने वाला है, ये शरीर कुछ वर्षों तक रहने वाला है, ये संबंधी कुछ वर्षों तक रहने वाले हैं, लेकिन मेरा नहीं है। मेरे साथ हो और मेरा हो उनमें कुछ फर्क है कि नहीं है। तुम लोग थोड़ी देर के लिए मेरे साथ हो लेकिन मेरे नहीं हो, मैं इतनों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। थोड़ी देर साथ हो लेकिन अब मैं तुम्हें मेरे मेरे कहने लगूँ तो अब यहाँ झगड़ा होगा। तुम कहोगे शाम का हमारा कुछ और प्रोग्राम था, आपने हमें मेरे मेरे करके अब अपने साथ गुजार लिया, गड़बड़ झगड़ा होगा। इसलिए डोंट से जगत का कोई भी भौतिक पदार्थ मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, इसका स्वीकार करो, बस स्वीकार। इससे क्या होगा, निर्ममः यानी ममता रहित, ममत्व रहित, आसक्ति जो है उसमें वो तुम्हारी टूटती जाएगी। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चाहने से प्राप्ति नहीं होती, तुम्हारे पुण्य और पाप के उदय से प्राप्ति होती है। तुम चाहे कितना भी भजो, गाड़ी चोरी ना हो, गाड़ी चोरी ना हो, तुम्हारे भजने से थोड़ी गाड़ी चोरी नहीं होती, वो तो चोरी होनी है, तुम्हारे पाप के उदय हैं,
बिल्कुल तुम लोगों के भी पाप के उदय है तो कोई भी चुरा के ले जा सकता है, लेकिन यहाँ जब होता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, न प्राप्ति न अप्राप्ति, तब हम कैसे होते जाते हैं? निष्प्रह, निष्काम। कर्म तब भी करना है। कर्म योग को सुनने वाले लगभग लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि तो फिर क्या कर्म ना करें हम? हो सकती है तुम लोगों को भी ये भ्रांति हो सकती है कि यदि हमने किसी को अपना माना नहीं, कुछ हमें करना नहीं, तो क्या हम कर्म ना करें? बिल्कुल करना है। जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म है उसे करना है। तुम CA का पढ़ रहे हो, तुम्हें कर्तव्य करना ही है उसके लिए। तुम्हारे पास जौहरी की दुकान है तो वो कर्तव्य करना ही है। तुम्हारे पास बच्चों को देखने संभालने का कर्तव्य है तो वो कर्तव्य को करने की मना नहीं की, लेकिन जो साइड में व्हाट्सएप चलते हैं ना उसकी मना की है, उसकी जगह भक्ति चले। ये बात है। तुम्हारे को CA की पढ़ाई के टाइम CA करना ही है, लेकिन अब YouTube पे जाके पिक्चरें देखना ये तुम्हारा कर्तव्य कर्म नहीं है। ये ठीक से समझ लेना, क्योंकि कर्म योगी वालों को लगता है अब कोई कामना नहीं करनी तो मतलब कोई गोल भी ना बनाओ। जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो भी तुम CA का स्वधर्म, आर्किटेक्ट का स्वधर्म, फार्मासिस्ट पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, उसका स्वधर्म, जो भी तुम्हारा स्वधर्म है उस स्वधर्म का पालन करना ही है, लेकिन तुम्हारे उस पालन करने में कोई बाधा पहुंचाए तो क्रोध नहीं, कोई सहयोग दे जाए तो उसका लोभ नहीं धन्यवाद, कोई बाधा पहुंचाता है तो क्रोध नहीं धन्यवाद। तो यहां पर जो कुछ भी हो रहा है गोल बनाओ। एयरपोर्ट पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, स्टारबक्स की कॉफी पीनी है, ये पूरा गोल बनाओ। मैं मना नहीं करती, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी मना नहीं किया। कर्मयोग का फैलावा नेक्स्ट अध्ययन में भी है, कृष्ण ने भी मना नहीं किया। लेकिन कोई भी गोल के अंदर बाधा आ जाए तो क्रोध नहीं, गोल की पूर्ति हो तो मान और लोभ नहीं। बस ये थिन लाइन लोगों को समझ नहीं आती, बहुत ही पतली सीमा रेखा है, बहुत पतली। लोगों को कर्म योग पढ़कर लगता है कि अब तो कामना ही नहीं करनी तो फिर कोई गोल क्यों बनाए, गोल करना भी तो एक कामना है। अचानक पंडित हो जाते हैं सारे बेवकूफ पंडित अचानक, क्योंकि गोल करना भी तो कामना ही हुई। गोल करना कामना नहीं है, गोल करना स्वधर्म है भाई। तुम्हें अगर CA नहीं बनना था तो तुम्हें जानवर की योनि में ही डाल देते, लेकिन तुम्हें मनुष्य की योनि में डाला है, मतलब तुम्हें इस जीवन का कोई ना कोई कर्तव्य पूरा करना है। और अभी के टाइम पे ये CA, ये पीछे LLB बैठे हैं, ये LLB सारे यहाँ तो एक से एक धुरंधर बैठे हैं। बिल्कुल गोल करना है, 5 डिजिट क्या 6 डिजिट इनकम का भी गोल करना है, फिर उससे स्विट्जरलैंड घूमने जाना है। नहीं, अजय का कुछ और प्लान है, क्या है? चैरिटी करनी है, क्योंकि मज़ा उसमें है। तुम स्विट्जरलैंड 10 दिन घूम कर आ जाओगे उसमें वो मज़ा नहीं मिलेगा, एक बार जाना, लेकिन बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपने फंड्स को चैनलाइज करो, कुछ अच्छे के लिए देते हुए जाओ। कमाने का गोल रखना है, 6 डिजिट 7 डिजिट इनकम हो बिल्कुल रखना है, क्योंकि कर्म योग है, ये संन्यास नहीं है। कर्म करना है तुम्हें, लेकिन उस कमाने में कोई बाधा पहुंचाता है तो क्रोध नहीं। उस कमाने के अंदर कमाई हो जाती है तो स्विट्जरलैंड के बाद कनाडा, और कनाडा के बाद ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद कब्रिस्तान। ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए तुम्हारा, यही होगा तुम पूरी जिंदगी यूं ही घूमते रहोगे तो फाइनली तो वही, वो द प्लेस इज रिजर्व फॉर यू अंडर द ग्राउंड, दैट प्लेस इज ऑलवेज देयर। इसलिए मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है गोल नहीं बनाना। गोल बनाना है, लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य में बाधा पहुंचती है तो निस्पृह निष्काम हो जाना है। क्रोध नहीं धन्यवाद, लोभ आए तो लोभ नहीं शुक्रिया। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, ये तीसरी बात। जब भी मनुष्य इस तथ्य का स्वीकार करता है कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, जो करना है वो जनहित के लिए करना है, जग हित के लिए करना है, सम्यक दर्शन भी प्राप्त करना है। देखो, नया दृष्टिकोण तुम्हें मिलेगा, सम्यक दर्शन भी, मुझे आत्मज्ञान भी प्राप्त करना है तो वो भी अपने लिए नहीं, क्योंकि मैं तो परमात्मा स्वरूप ही हूँ, लेकिन जरा मुझे सम बुद्धि मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए तो मेरे आसपास के लोग सुकून से जी सके, उसके लिए सम्यक दर्शन करना है।
क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, कभी भी क्रोध, कभी भी आकुलता, कभी भी चिड़चिड़ाहट, कभी भी इरिटेशन तुम्हारे अंदर शुरू हो जाती है, अस्थिर बुद्धि है। तुम्हें आज से सम्यक दर्शन करने का भी लक्ष्य तुम्हें ये मिला, देखो बड़े चुस्त जैन हो गए ना, तो तुम्हें समझ नहीं आएगी, ये हिना प्रभु जैसे मुझे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है वो मान नहीं रहे मेरी बात, लेकिन तथ्य है ये, तुम सम्यक दर्शन भी, तुम जीवन में कुछ भी प्राप्ति करो ना, तो कम से कम भले 100% ना रखो, लेकिन 50% हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी एंड नेशन, ये विचार हमेशा होना चाहिए। तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा। अहंकार का काम क्या है? सब मेरे लिए, सब मेरे लिए, ज्ञान तो भी मेरे लिए, धन तो भी मेरे लिए, समय तो भी मेरे लिए, लेकिन तुम इन समय, शक्ति, संपत्ति और ज्ञान, चार बातें हम करते हैं, समय, शक्ति, संपत्ति और ज्ञान, इसमें बंटवारा करो, मेरे लिए इतना और बाकी का कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, कहीं ना कहीं मुझे उसका उपयोग करना है। तब क्या होगा? अहंकार तुम्हारा टूटता जाएगा, क्योंकि तीन बातें कहीं, निष्प्रूव होना है यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, निर्मम होना है यानी इस तथ्य का स्वीकार हो कि मेरा कुछ है ही नहीं, और तीसरा निरअहंकार होना है यानी मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, आत्मज्ञान भी चाहिए, तो मेरे उस आत्मज्ञान में से जो शांति, जो प्रेम, जो सद्भाव, जो सबका मंगल का भाव बरसता हो, वो सभी तक पहुँचे, उसके लिए चाहिए, तब जाके मनुष्य, बस ये तीन ढंग से जीवन जीना, तीन ढंग से। निर्मम होने के लिए क्या कहा? मेरा कुछ नहीं है, सब संयोग है, मेरा मेरा करोगे तो आगे जाके झगड़ा होगा और यही झगड़ा होता है। दूसरा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए यानी गोल्स बनाना बंद नहीं करना, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शंस के प्रति धन्यवाद का भाव, और इससे निष्प्रूव होंगे। और तीसरा, मुझे जो भी मिलता है वो अपने लिए नहीं चाहिए, कम से कम 50% तुम्हारे ज्ञान से किसी को लाभ हो, तब तुम्हारा ममत्व जाएगा, तब तुम्हारी स्पृहा जाएगी और तब तुम्हारा अहंकार जाएगा। अंतिम श्लोक में कहते हैं, बजी गए फिर भी देखो सब आएगा, मुझे लगा मैं 1 बजे खत्म कर दूंगी। अंतिम श्लोक के अंदर बस स्थित प्रज्ञा के लक्षण का अंतिम, एषा ब्राह्मणी स्थिति, एषा यह, हे अर्जुन यह ब्राह्मणी स्थिति है, ब्रह्म में जो लीन है ऐसे व्यक्ति की स्थिति है। ब्रह्म को पुरुष कहा जाता है और उस पुरुष में जो लीन होता है उसके लिए स्त्रीलिंग का उपयोग किया जाता है, इसलिए से ब्राह्मणी बोला। ब्रह्म यानी पुरुष और उस पुरुष में जो लीन है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री, लेकिन जो भक्ति है, जो लीनता है, उसके लिए कहा कि हे अर्जुन यह ब्रह्म को प्राप्त हुआ पुरुष यानी ब्राह्मणी स्थिति के अंदर है। ये पुरुष कैसा होता है? तुम्हें जगत में दिखता है लेकिन होता तो ब्रह्म में है। ये पुरुष कैसा होता है? तुम्हें इंद्रिय विषयों को भोगते हुए नजर आता है परंतु स्वाद तो परमात्मा का ही चखता है। ये पुरुष होता कैसा है? लास्ट बस मैं रात को लिख रही थी, ये पुरुष होता कैसा है? अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में रहता है लेकिन उन सभी परिस्थिति में अनुभूति तो केवल परमात्मा की करता है, केवल परमात्मा की। ब्राह्मणी स्थिति में बस शीघ्र से शीघ्र हम आए, राग का रूपांतरण करो प्रेम में, और प्रेम यानी निष्कामता, अपना उपयोग, और द्वेष का भी रूपांतरण करो क्षमापन्ना में, खाली क्षमा नहीं। इस चैप्टर की पूर्णाहुति का श्लोक अब निष्काम। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम।